बात हुई आज के रामबाण उपाय की, अब आपको बताता हूँ घर के वास्तु को शुभ बनाने का आज का चमत्कारी वास्तु उपाय। अब मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है आपके शुभ वास्तु के लिए, तो इन टिप्स को, इन सुझावों को जरूर अमल में लाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राहु केतु की शुभ दृष्टि यानी उनकी शुभ कृपा पाने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए कि आपको करना यह है कि दोपहर और संध्या काल के समय में, जिस समय दो बेलाओं का मिलन होता है, उस समय आपको शयन नहीं करना चाहिए। घर में मकड़ी का जाला न लगने दें, जहां भी आपको दिखाई देता है उसको तत्काल साफ करें। महत्वपूर्ण कागजात हमेशा घर के पूर्व की दिशा में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शयन कक्ष में भोजन न करें और जूठे बर्तन न रखें, ये बात बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। कमरे में बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए जैसा मैंने बताया। उत्तर पूर्व की खिड़कियां जो भी है, दरवाजे जो भी है, वो ज्यादा से ज्यादा समय के लिए खुला रखना चाहिए। मनी प्लांट यदि आपने अपने घर में लगाया है और वो बार बार सूख जाता है तो ये बहुत अच्छा सूचक नहीं है, इसका मतलब कि उस स्थान पे नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, तो आपको उसे बार बार बदलना चाहिए और फिर दूसरा नया अच्छा हरा भरा मनी प्लांट लगा देना चाहिए। अगर वो पुनः सूख जाए तो उसको फिर हटाइए। घर में अपने आसपास जितने ज्यादा से ज्यादा तुलसी के पौधे लगाएंगे आपको उतनी अच्छी ऊर्जा, उतनी शुभ ऊर्जा प्राप्त होगी। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं, ऐसे छोटे उपाय हैं वास्तु के, जिनको करके आपके घर में कितना भी बड़ा से बड़ा वास्तु दोष हो आप उसको दूर कर सकते हैं। कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो आप उस ऊर्जा को शुभ ऊर्जा में परिवर्तित